मुझे किराए पे सुपर कार्स खरीदना पड़ेगा, क्वार्टर माइल रेस लगानी पड़ेगी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कर्म एंड कांड। मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं एक नया धमाकेदार जबरदस्त और किफायती एपिसोड। ये है भुवनेश्वर का पार्ट 3। आप लोगों ने अगर पहला दो पार्ट नहीं देखा होगा तो हम यहाँ ऊपर लिंक डाल देंगे, उसको जरूर विजिट करना, तब आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। और आज हम आपको करवाएंगे 1st century BCE की गुफाओं की सैर। तो एक्साइटेड हो आप लोग? देखो, जिससे पहले कि मैं आपको इस गुफाओं के बारे में कुछ बताऊं, तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि भाई इसको एज अ लेमैन देखने की प्रयास करना, क्योंकि देखो हम एक आम इंसान हैं, हम इसको आर्कियोलॉजिकल रीज़न की वजह से नहीं और कुछ और रीज़न की वजह से नहीं देखते। हम जब जाते हैं जगह पे तो उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस तरह से देखते हैं, तो उसको कॉमन की तरह देखना। यहाँ एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन और एडवांस उसमें मैं नहीं घुसूंगा, आपको मैं इस जगह का लुक एंड फील देना चाहता हूँ ताकि आप यहाँ के खुद इसको एक्सपीरियंस कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो ये जो केव्स हैं इनका नाम है उदयगिरी और खंडगिरी। ये दो बड़े बड़े केव हैं एक ही जगह पे, और इन केव का पहले नाम हुआ करता था कटका केव्स या फिर कटक के केव्स। ये केव्स जो हैं बेसिकली कुछ पार्ट इसका नेचुरली फॉर्म्ड है और कुछ को कार्व करके आर्टिफिशियली बनाया गया है। इन दोनों केव्स को 1st century BCE में कार्व किया गया था, और ये जैन मुनि ऋषि मुनि जो हैं, हमारे जो जैन तीर्थंकर्स हैं, उनके टाइम में उनके द्वारा कार्व करवाया गया था। ये यहाँ रहते थे, और ये जिन राजाओं के टाइम में रहते थे उनका नाम था राजा खारावेला। उदयगिरी का मतलब होता है सनराइज, और उदयगिरी में है 18 केव और खंडगिरी में 15 केव, मतलब गुफाएं। तो इन सभी केव को या गुफा को बहुत मान्यता है इन गुफाओं का, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफा है यहाँ पे, जिनका नाम है रानी गुफा उदयगिरी में जो है। और अगर आप दूसरी लोगों की बात करें तो यहाँ पे और भी गुफाएं, जैसे हाथी गुफा, अनंत गुफा, गणेश गुफा, जय विजय गुफा और कई अनेक, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जैन मुनि जो है वो यहाँ रहते थे और यहीं पे बैठ के वो अपना मेडिटेशन किया करते थे। और ये जो सामने देख रहे हो आप केव, और ये है खंडगिरी केव्स, काफ़ी दूर से अभी, हालांकि हम वहाँ भी जाएंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एंट्री बहुत चीप था, 10 रुपये की टिकट थी, आप आराम से जाओ विज़िट करो, और बहुत अच्छा जगह था। अगर मैं बताऊँ तो ये छोटे से पहाड़ पर्वत पे था और काफ़ी पीसफुल था यहाँ का वाइब। बट क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं है मेरे भाइयों, यहाँ पे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी, सब लोग खचाखच भरे पड़े थे, और पूरा शोर, बच्चे हुड़दंग, हर गुफाओं के अंदर सब जाके बस एक्सप्लोर कर रहा था। और जैसा कि आपको बताया गया है कि यार, जैसे पहले इडियट बॉक्स टीवी को बोला जाता था, अब वो इडियट फ़ोन है हमारे हाथ में, जिससे हम फोटो खींचते हैं, जिससे हम रील्स देखते हैं, और उसमें से मैं हूँ जो आपके लिए रील्स और वीडियोज़ बनाता है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहते हो शांति, तो मुझे लगता है कि संडे का दिन एक राइट डे नहीं होगा, आपको रादर प्रेफर करना चाहिए वीकेंड्स में आने का, यहाँ वीकडेज़ में आने का। शायद वहाँ पे उस दिन थोड़ा भीड़ कम होगा, क्योंकि ये विंटर का मौसम था, सर्दी का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पिकनिक मनाते हैं, तो मोस्टली ये काइंड ऑफ अ डे आउट था। पत्थर कार्व्ड है सीढ़ी बनाने के लिए, दीज आर न्यूली बिल्ड। अब आया खंडगिरी की, तो अंदर जाओ चला जो आप यहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट्स देख रहे हो पत्थर पे क्राविंग किया हुआ, बहुत अमेजिंग है। उदयगिरी में आपको बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा
थोड़ा सा थ्रेटनिंग लग रहा था, हालांकि वो इतने हार्मफुल नहीं थे बट थोड़े ओवर फ्रेंडली थे एंड आई वॉज लाइक थोड़ा बस वरिड अबाउट इट। हालांकि उसके अलावा बात करें तो इस जगह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है तो काफ़ी पुराना है ये, लेकिन इट इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड वो सब भी थे तो काफ़ी सेफ था मतलब ये जगह। तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बींग हेयर, ट्रस्ट मी। और वो देखो उदयगिरी से खंडगिरी कितना दूर है और कितना सुंदर है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि मैं S24 अल्ट्रा यूज़ नहीं करता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जूम आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आईफोन 13 प्रो में ज़्यादा है नहीं, जो कि मेरा मेन प्राइमरी कैमरा जिससे मैं शॉट लेता हूँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे प्यारा सा एक जैन मंदिर था जहाँ पे मैं विजिट करके आशीर्वाद लिया जैन मुनि का। ये रहा हमारा प्यारा सा उदयगिरी खंडगिरी केव का एक प्यारा सा छोटा सा मिनी व्लॉग। और मुझे पता है कि यार आप लोगों के पास टाइम नहीं है हमारे वीडियो को देखने का और शायद ये वीडियो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे किराए पे सुपर कार्स ख़रीदना पड़ेगा और फिर उसकी क्वार्टर माइल रेस लगानी पड़ेगी, 0 to 100 का रेस लगाना पड़ेगा ताकि मुझे आपके व्यूज़ आए, आपका प्यार आए और आपका सपोर्ट मिलते रहे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको किसी वजह से भी ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई फीडबैक हो, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर इस तरह के कंटेंट नहीं देखना चाहते हो तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम तो दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय सियाराम।